दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आपने देखा होगा कि आज जो है यूपी ट्रिपल एससी ने पैट का एग्ज़ाम कराया था, तो उसमें जो है पैट में 5 सॉल्वर पकड़े गए। राहुल गांधी ने कहा है कि नौजवान जो हैं वो ठोकर खाने को मजबूर हैं, और वरुण गांधी बोले हैं कि जो इसमें हवाई निरीक्षण से जो है जमीन के मुद्दे भी नहीं दिखते हैं। तो सीधी सी बात, ये पैट एग्ज़ाम में 5 सॉल्वर जो पकड़े गए हैं, लोकवार देख लीजिए कैसे परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर और स्टेशन पर लेटे हुए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि यूपी के 75 जिलों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 10 बजे शुरू हो गई। इस दौरान 6 सॉल्वर पर पकड़े गए, जिनमें शामली में 4 और एक जौनपुर में एक अमेठी में पकड़ा गया। अभी जो है दूसरे जगह परीक्षा दे रहे थे ये। बसों में ट्रेनों में कितनी भीड़ आप देख सकते हैं भीड़ के माध्यम से। और यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो यूपी पैट परीक्षा में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है, छात्र से जो है फीस लेते हैं, मोटी मोटी फीस लेते हैं और इनको नौकरी नहीं देते हैं। ट्रेनों का हाल देख लीजिए, कहाँ पर बैठ बैठ के लोग बार बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंतर्गत कितनी भीड़ है आप देख लीजिए स्वयं। स्टेशन का ये देख लीजिए बुरा हाल है, किस तरीके से भीड़ भाड़ हो रही है। और यहाँ पर जो है पेपर कोई इतना हार्ड नहीं आया था, लोग बता रहे थे पेपर बहुत सिंपल था, इतना भी जो वो नहीं था, मीडियम क्लास का पेपर था। अभी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है, उसका मैं आपको विश्लेषण बता दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।